टोंक में चुनावी सभा के दौरान फिर कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा राजस्थान को बांटने की हो रही कोशिश, कांग्रेस को हनुमान चालीसा से भी एतराज। ममता बनर्जी के गढ़ में बीजेपी ने लगाया जोर, मालदा में गृहमंत्री अमित शाह ने किया रोड शो, पार्टी प्रत्याशी श्री रूपा के लिए वोट मांगे। मालदा में रोड शो के दौरान एबीपी न्यूज पर अमित शाह का दावा, कहा इस बार बीजेपी के साथ बंगाल की जनता, 30 से ज्यादा सीटों पर होगी जीत। मंगलसूत्र पर पीएम के बयान को लेकर ओवैसी के सवाल, पूछा मुसलमानों पर बयान देकर देश को क्या संदेश देना चाहते हैं पीएम। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा पीएम ने महिलाओं का अपमान किया, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। बेंगलुरु में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन, रणदीप सुरजेवाला ने कहा कर्नाटक के लोगों से बदला लेना चाहती है बीजेपी। अमरोहा में चुनावी रैली के दौरान सीएम योगी का बड़ा दावा, कहा पहले फेज के चुनाव के बाद बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलना तय। एबीपी से खास बातचीत में तेज प्रताप यादव ने इस बार बड़ी जीत का दावा किया, समाजवादी पार्टी की टिकट पर कन्नौज सीट से तेज प्रताप लड़ रहे हैं चुनाव। पहले फेज में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर घटे वोटिंग परसेंटेज से शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय चिंतित, कार्यकर्ताओं को ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की सलाह दी। रोहतास में रोड शो के दौरान पवन सिंह ने पावर दिखाया, निकाली जन आशीर्वाद यात्रा, काराकाट सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं पवन। शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल लोकसभा सीट से नामांकन किया, टीएमसी ने दूसरी बार शॉटगन पर भरोसा जताया है। उज्जैन से कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार का अनोखा प्रदर्शन, गंदे पानी से स्नान कर क्षिप्रा नदी की गंदगी पर विरोध जाहिर किया। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, कहा सीसीटीवी के जरिए जेल में बंद केजरीवाल की लगातार निगरानी कर रहा है पीएमओ और उपराज्यपाल का दफ्तर। चुनावी माहौल में आम आदमी पार्टी की हनुमान भक्ति, हनुमान जयंती पर सौरभ भारद्वाज ने ग्रेटर कैलाश में निकाली भव्य शोभा यात्रा, केजरीवाल की जल्द रिहाई की मांग। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की विशेष पूजा, बच्चों को बांटे चॉकलेट्स। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का राजस्थान दौरा, शाम 5 बजे पाली और शाम 7 बजे जोधपुर में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगी रोड शो। राजस्थान के बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी ने कंगना रनौत के प्रचार पर तंज कसा, कहा बीजेपी ने अगर काम किया होता तो एक्टर से प्रचार कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोकसभा चुनाव में खुला बीजेपी का खाता, गुजरात के सूरत से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए, कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन हुआ रद्द। सूरत से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द होने पर भड़के राहुल गांधी, लिखा तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने। सूरत में निर्विरोध जीत पर नोएडा के चुनावी मंच से विरोधियों को राजनाथ सिंह का जवाब, कहा जनता की आंख में धूल झोंक कर नहीं आंख मिलाकर राजनीति करे कांग्रेस। बिहार के पूर्णिया में तेजस्वी यादव बोले इंडिया गठबंधन को चुनो नहीं तो एनडीए को चुनो, पप्पू यादव का नाम लिए बिना उन्हें वोट नहीं देने की अपील। तेजस्वी यादव के बयान पर गरमाई सियासत, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का महागठबंधन पर तंज, बोले पहले ही हार मान चुके हैं तेजस्वी। शिरोमणि अकाली दल ने चुनाव के लिए जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, चौथी बार बठिंडा से चुनाव लड़ेंगी हरसिमरत कौर। अकाली दल ने जालंधर से महेंद्र सिंह केपी, लुधियाना से रणजीत सिंह ढिल्लो, होशियारपुर से सोहन सिंह ठंडल, फिरोजपुर लोकसभा से नरदेव सिंह और चंडीगढ़ से हरदेव सैनी को टिकट दिया। कांग्रेस ने बिहार के लिए 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, महाराजगंज से अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह और मुजफ्फरपुर से अजय निषाद को टिकट दिया।